नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, रुड़की पुराना रेलवे रोड पूर्वा दीनदयाल में स्थित यूरो किड्स प्ले स्कूल में आज दान उत्सव दिवस का कार्यक्रम यहां पर किया गया। आपको बता दें, छोटे बच्चों के द्वारा कुष्ठ आश्रम के प्रतिनिधियों को यहां पर आज उनको दान दिया गया। आइए जानते हैं क्या दान उत्सव बनाया गया है उसको लेकर। जी, ये हमारा लाइट हाउस लर्निंग के अंतर्गत जो यूरो किड्स इंटरनेशनल आता है, तो 2 अक्टूबर से और 5 अक्टूबर तक उन्होंने दान उत्सव का एक ड्राइव चलाया है पैन इंडिया, और जिसमें कि अलग अलग खाद्य सामग्री हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, या बच्चों के यूज टॉयज़ हो सकते हैं, जो कि पेरेंट्स ने बड़े इच्छा से और बड़े दिल से लाके यहाँ दिए हैं कि जो हम ज़रूरतमंदों में वितरित कर सकें। तो इसी के अंतर्गत हमने अपने स्कूल में भी इस मुहिम को चलाया और बच्चों ने बहुत दिल खोल के दान दिया। उसमें ज़्यादातर खाद्य सामग्री ही हमने मंगवाई थी, तो उसमें उन्होंने आटा, दाल, चावल, चीनी, अलग अलग तरह की वो सब लाके दी पेरेंट्स ने। और इसी के अंतर्गत हमने आज कुष्ठ आश्रम से उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था, तो उनको बच्चों के द्वारा दिया गया। जैसे ये दान दिवस मनाया जाता है या दान उत्सव मनाया जाता है, इसे क्या सीखने को मिलता है बच्चों जी? बच्चों में यही हम मैसेज देना चाहते हैं, बच्चों को बचपन से हम ये सिखाना चाहते हैं, उसमें ये वैल्यूज़ डेवलप करना चाहते हैं कि केवल हमें लेना नहीं है, समाज को हमें देना भी है। क्योंकि हम सब उस वर्ग से आते हैं जहाँ हमें ईश्वर की कृपा से सब कुछ मिलता है और हम लोग सभी संपन्न हैं, तो ऐसा वर्ग जो हमसे कम संपन्न है या ज़रूरतमंद है, उनको भी हमें अपने बराबर का समझना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये भाव बच्चों के अंदर बचपन से ही लाया जाए तो हमारे समाज में मुझे नहीं लगता कोई भी ज़रूरतमंद रहेगा। तो यही इसके पीछे मोटिव है कि बच्चों को एक जॉय ऑफ गिविंग वो फील होनी चाहिए, वही हमारा मोटो है। मैडम, आज देखते हैं कि आज के टाइम पे दान के रूप में भी लोग दिखावा कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दिखावा तो ऐसा है ना कि उसका कोई अंत नहीं है। आप केवल दिखावे के लिए या पब्लिसिटी के लिए अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। ये हमारा मैसेज सिर्फ बच्चों को यही सिखाने का था कि बच्चे, आप लोग, हम लोग सब संपन्न हैं और हमें समाज में ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमारी सारी एक्टिविटीज़ का मकसद सिर्फ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, और उन्हीं सब एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी आती है दान उत्सव, जिसमें हमारा उद्देश्य था बच्चों को ये सिखाना कि भगवान ने हमें सामर्थ्य बनाया है, हमें सब कुछ दिया है, तो क्यों ना हम उनकी मदद करें जिनके पास कुछ चीज़ों का अभाव है। तो इसीलिए ज़रूरतमंद लोगों को हमने कुष्ठ आश्रम से बुलाया और हमें जो भगवान ने दिया उसका कुछ अंश हमने उनको दान के स्वरूप में देकर बच्चों को ये सिखाया कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अच्छा, क्या मैसेज जाता है समाज में इसको लेकर? समाज में यही कि हम चाहे छोटे हों या बड़े, जिनके पास सब कुछ है उनको ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करना चाहिए और दिखावे के बिना। तो बच्चों को क्या कहा था कि भाई क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है ज़रूरतमंद लोगों के लिए? बच्चों को ये कहा था कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ें लानी है, वो ज़रूरत की चीज़ें जो आप घर में रोज़ इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों के पास नहीं है, तो घर में इस्तेमाल करने की जो चीज़ें बच्चों को समझ आए, आटा, चीनी, चावल, तेल, वो अपने हिसाब से लेकर आए हैं। इससे बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी समझ में आया कि दान देना बहुत अच्छा होता है, जो नीडी लोग हैं उन्हें हमें हेल्प करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा, मतलब दान उत्सव के बारे में हमें ये सब करवाना बच्चों को। क्या मैसेज आता है कि हाँ भाई, जैसे बच्चों को बहुत समझ में आया कि जो नीडी लोग हैं हमें उन्हें देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा ये समझ।